हेलो हाय अतरंगीज, वेलकम टू अवर चैनल अद्भुत अतरंगीज। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। तो आज हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल रेसिपी, यानी कि हम थोड़ी सी अतरंगी रेसिपी बनाएंगे। ये है व्रत वाले पास्ता रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सी जार ले लेंगे। इसमें डालेंगे 2/3 कप जितना, उससे 1 चम्मच कम जितना साबूदाना ले लेंगे। हमने मीडियम साइज का साबूदाना लिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लेंगे और इसका एक पाउडर बना लेंगे। और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि हम इसका डो नीड कर सके। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप जितना, इसमें भी 1 चम्मच कम जितना हम डालेंगे कुट्टू का आटा। आपके पास राजगीरे का आटा हो, सिंघाड़े का आटा हो, आप वो भी डाल सकते हैं। बस हमने साबूदाना को तो बाइंडिंग के लिए ही यूज़ किया है, तो साबूदाना सेम रहेगा। बाकी आप कुट्टू का आटा या राजगीरे का आटा कोई भी डाल सकते हैं। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नमक नहीं डालिएगा क्योंकि आगे भी हम प्रोसेस में और डालेंगे ना तो खारा सा हो जाएगा, इसलिए आप इस स्टेज पर थोड़ा सा ही डालिएगा। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और इसे एकदम गर्म पानी के साथ नीट कर लेंगे, हम इसका डो बना लेंगे। पहले आप स्पैचुला की मदद से इसमें पानी मिक्स कर लीजिए, और जब आपको लगे कि आप इसमें हाथ डाल सकते हैं, क्योंकि पानी काफी ज्यादा गर्म है, आप पानी को थोड़ा टॉलरेट कर पाए तो तभी हाथ डालिएगा इसमें। अब इसे हाथ से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा डो लगा लेंगे, थोड़ा सा नरम सा, जिससे कि हमारी एक अच्छी सी रोटी बेल सके। हमारा ये पास्ता का डो लगकर रेडी है। अभी एकदम स्मूथ डोसा लग गया ये कुछ। अब आप इसे 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दें ताकि ये थोड़ा सा रेस्ट हो जाए और जो हमने साबूदाना डाला था ना वो मॉइस्चर को कांटेक्ट में आके थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा। और हम पास्ता के लिए टमाटो सॉस बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 स्मॉल साइज़ के टमाटर ले लिए थे और धनिया के स्टेम ले ली थी, इन्हें बारीक काट लिया है। अब हम इन्हें मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। आप चाहे तो टमाटर को बॉईल भी कर सकते हैं, बट ऐसे इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसमें थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है। बाकी आपको ज़्यादा पसंद हो आप वैसे कर लीजिएगा। और इसे मिक्सी में डाल के अच्छी से एक स्मूथ प्यूरी बना ले। आप चाहे तो उस प्यूरी को छान भी सकते हैं। और अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें डालेंगे पानी। जिसमें हम अपना जो पास्ता बनाएंगे ना उसको बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर हमने लगभग 1 लीटर जितना पानी डाल दिया। इसमें पानी में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं अगर आप ऑयल ना खाते हो व्रत में तो। और इसमें डालेंगे नमक ताकि जो हमारा पास्ता है ना वो थोड़ा सॉल्टी सॉल्टी सा हो जाए। अब इस पानी को ढककर छोड़ देंगे जब तक इसमें एक अच्छा खासा बॉईल ना आ जाए। और तब तक हम अपने पास्ता को बेल कर रेडी कर लेते हैं। तो हमने जो आटा लिया था ना इसे थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और अब हम इसे चाकू की मदद से इसके परफेक्ट साइज के बॉल्स काट लेंगे ताकि जो हम इसकी रोटी जैसी बेलेंगे ना तो हर बार बराबर सी बिले रोटी और एक प्रॉपर साइज से हमारे जो पास्ता है ना वो कटेंगे। अब चाकू को जब इससे पास्ता काटेंगे ना तो चाकू को भी ग्रीस कर लीजिए क्योंकि इसमें साबूदाना है ना थोड़ा ही स्टिक करता है। और इसकी बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे।
अब इसकी रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे ऑयल से मत कीजिएगा, आप एक कुट्टू का आटा ले लीजिए, उसे डस्ट कीजिए, फिर ही इसकी रोटी बेलेगा। अगर आप ऑयल से करेंगे ना तो ये बहुत चिपचिप सा हो जाएगा और ये बिलेगा नहीं। और फिर आप इसे जब इसकी नूडल्स जैसे कुछ या पास्ता जैसा कुछ काटना चाहेंगे ना तो वह नहीं कटेगा, इसलिए आप इसे ड्राई आटा से ही बेलिएगा, मतलब कुट्टू के आटा से। और इसकी एक पतली सी रोटी बना लीजिए, देखिए बस। इसके किनारे थोड़े अनइवन ही रहते हैं तो कोई बात नहीं। और अब हम इसकी बारीक बारीक सी स्ट्रिप्स काट लेंगे, मतलब कुछ नूडल्स जैसी लगे या पास्ता भी समझ सकते हैं इसे। और चाकू को ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा क्योंकि ये इसमें चिपकेगा ज़रूर, क्योंकि इसमें साबुदाना है ना। और इसके हमने सारे जो नूडल्स है या पास्ता समझ लीजिए आप, ये कट कर तैयार कर लिए। और अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे क्योंकि हम एक बार सारे प्रिपेयर कर लेंगे तभी पानी में डालेंगे बॉईल करने के लिए। आप ऐसे मत कीजिएगा कि एक बैच पहले डाला एक दूसरा बैच ऐसे डाला, ऐसे मत कीजिएगा। आप पहले एक साथ बेल लीजिए सारे और इनके से स्ट्राइप से काट लीजिए। और जब पानी में अच्छा खासा बॉयल आ रहा था ना तब हमने इसमें सारे जो पास्ता है ना थोड़े थोड़े करके ड्रॉप करने, जैसे आप दाल ढोकरी को ड्रॉप करते हैं। पानी का जो ये उबाल है ना ये नहीं जाना चाहिए, पानी का टेम्परेचर नहीं ड्रॉप होना चाहिए। आप एक एक करके डालिएगा ताकि बॉयल आता रहे और आप पास्ता डालते रहें, क्योंकि फिर ये एकदम से घुल जाएंगे, इसलिए ऐसा कीजिएगा। और इसमें एकदम से चम्मच भी मत लगाइएगा। और इसे लगभग आप 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे बॉईल कर लीजिएगा। स्टार्टिंग में जैसे आप इन्हें डालेंगे ना तो ये नीचे होंगे, फिर थोड़ी देर बाद फ्लोट करने लगेंगे। जब ये फ्लोट करने लगेंगे इट मीन्स ये पककर रेडी है। देखिए अब ये सारे ही फ्लोट करने लगे हैं, इट मीन्स ये थोड़े से डन होने वाले हैं, बट हम इन्हें कंटिन्यूस 5 मिनट तक पकाएंगे। देखिए 5 मिनट बाद कुछ ऐसे दिख रहे हैं, इनका सारा प्रत खत्म हो गया है और ये जो सारे हैं ना ये फ्लोट करने लगे हैं। अब हम इन्हें जाली में निकाल लेंगे और ठंडे पानी ऊपर इसके डाल देंगे ताकि जो एक सारे ठंडे हो जाए अच्छी तरह से। और अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें इसका तड़का प्रिपेयर करेंगे, मतलब आप इसकी टोमेटो सॉस को प्रिपेयर कर लीजिए। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच इतना घी, हमने इसमें घी बहुत कम यूज़ किया। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम यूज़ कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा,
एक छोटी चम्मच जितना, और इसे थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। और जैसे ही क्रैकल हो जाएगा हम इसमें डालेंगे जो हमने स्टार्टिंग में प्यूरी बनाकर रेडी की थी। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। अब चाहे तो जो आपने बॉईल कर रहे पास्ता का वो बॉईल करने वाला पानी है ना, अब वो भी डाल सकते हैं, इससे ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाएगी। नहीं तो आप नॉर्मल वाटर भी डाल सकते हैं। हमने मिक्सी के जार को रिंस करते ही इसमें आधा छोटा गिलास जितना पानी डाल दिया है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इसे कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि जो टमाटर है वो हमारे पक जाए और इनका जो मॉइस्चर है थोड़ा सा कम हो जाए। देखिए इसमें अच्छी तरह से बॉईल आ चुका है, और जो इसमें हमने पानी डाला था ना वो काफ़ी हद तक कम भी हो चुका है। बस हमें इसी कंसिस्टेंसी का चाहिए था। और अब हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। थोड़ी सी दाने चीनी के, ताकि जो टमाटर की टार्टनेस है ना उसको बैलेंस करने के लिए। चीनी अभी रखा है तो इसमें टमाटो केचप नहीं डाल सकते, तो आप इसमें चीनी डाल दीजिएगा, और अगर आपको ना पसंद हो तो आप ना डालिएगा। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि आधी छोटी जितना। हमने इसमें हरी मिर्ची भी इस्तेमाल नहीं की है, अगर आपको पसंद हो तो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। और जो हमने पास्ता बॉईल करके ठंडे पानी से धोकर रखा था ना, इसे डाल देंगे, और इसमें जो सॉस है ना अच्छी तरह से कोट कर देंगे। और इसे ज़्यादा ना हिलाइएगा, एकदम रिग्रेसली मत घुमाइएगा, नहीं तो जो ये पास्ता के स्ट्रैंड्स हैं ना टूट जाएंगे। और इसको डालने के बाद लगभग आपको बस 1 मिनट तक ही पकाना है, वो भी ओपन में ही पकाइएगा, ढकिएगा नहीं तो ये जो घुलने लगेंगे। पर 1 मिनट बाद हमारा पास्ता बनकर रेडी है। हमने इसे गार्निश कर दिया हरे धनिए के साथ, और इसे सर्व कर लिया है कुछ ऐसे। लग रहा है ना यमी यमी टेस्टी टेस्टी व्रत वाला खाना? तो रेसिपी पसंद आए, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।